हाय, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ये वन ऑफ़ दी बेस्ट वीडियो है जो मैंने चैनल पे क्रिएट करी है। तो जनरली मैं कहता नहीं हूँ, बट लाइक एंड शेयर्स विल बी अप्रिशिएटेड इस वीडियो के बाद। मोर ओवर भाई साहब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। 30K जो है वो इस मंथ का टारगेट है, प्लीज़ हेल्प मी टू डू दैट। एंड दिस इज़ दी बेस्ट वीडियो आई हैव एवर क्रिएटेड ऑन दिस चैनल मेरे भाई साहब। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही प्यारा है, सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी 4-1। सिटी ने भाई साहब रौन दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड को रौनते आ रही है सिटी बहुत समय से, ठीक है। और आप अगर इस गेम के बारे में बात कर लें, सिटी ने आउट क्लास कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। वो चाहे सेट पीसेस हो, वो चाहे टेक्टिक्स हो, वो चाहे प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, वो चाहे कोई भी एक्सपेक्ट हो, सिटी ने भैया आउट क्लास कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और केवल इस गेम से नहीं यार, इट्स बीन ईयर्स सिंस मैनचेस्टर हैज़ बीन ब्लू। आप इस चीज़ को मान लें, आप ट्रॉफीज़ के मामले में देख लें, मैनचेस्टर सिटी हमेशा से, अभी रिसेंट टर्म्स में 2016 के बाद पर्टिकुलरली, सिटी ऊपर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और यू नो व्हाट, ये एक डिबेट चलते आया है जहाँ पे सिटी के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई साहब सिटी ने तो इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इसीलिए सिटी ने इतना ज़्यादा सक्सेस भी पाया। खैर, ये बात सही भी है अपनी जगह पे कि हम सिटी और यूनाइटेड के अगर ट्रांसफर्स को देखें, हम स्पेंडिंग्स को देखें, तो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस देखने को मिलता है। 400 मिलियन ज़्यादा सिटी ने जो है वो खर्च करें एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूनाइटेड ने खर्चे नहीं करें। अगर मैं यूनाइटेड के खर्चे कंपेयर करूँ लिवरपूल से, चेल्सी से, तो तुम हक्के बक्के रह जाओगे। यूनाइटेड के ट्रांसफर्स को मैं कंपेयर करता हूँ, स्पेंडिंग्स को कंपेयर करता हूँ लिवरपूल के स्पेंडिंग से 2016 के बाद। आप एक चीज़ देखें, 2016 के बाद ट्रांसफ़र्स हुए लिवरपूल और भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अगर मैं अभी प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा अंत में पहुँचते हैं। अभी तक जो स्पेंडिंग हुई है लिवरपूल की 5 साल पहले तक, 476 मिलियन हुआ है। और अगर मैं यूनाइटेड के बारे में बात कर लूँ, द फिगर इज़ अराउंड 700 मिलियन। 700 मिलियन, 470 और 700 मिलियन, भाई साहब 300 कुछ मिलियन का डिफरेंस हमको देखने को मिला है बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब लिवरपूल और यूनाइटेड को ही कंपेयर कर लो ना यार, इन रिसेंट टर्म्स। चलो सिटी की बात तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि सिटी ने तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करे हैं ना। लिवरपूल और यूनाइटेड को भी तुम कंपेयर करोगे, डोमेस्टिकली देख लो, लिवरपूल हैज़ वॉन प्रीमियर लीग। लिवरपूल हमेशा टॉप टू टॉप थ्री के रेस में बनी रहती है। दी डिबेट इज ऑलवेज बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी इन रिसेंट टाइम्स। चेल्सी भी आजकल घुसने लगी है इस चीज़ में, बट ऑफकोर्स लिवरपूल का डोमेस्टिक बहुत अच्छा चल रहा है यार। अगर हम यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बात कर लें, लिवरपूल 2 फाइनल्स खेली है यूरोपा यूएफए चैंपियंस लीग के, और उनमें से एक वो जीत भी गए हैं। सो, ऐसे अगर मैं इस चीज़ को पुट फॉरवर्ड करूं, यूनाइटेड से 300 मिलियन कम खर्च करने के बाद भी दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल देन मैनचेस्टर यूनाइटेड इन रिसेंट टाइम्स। तो यूनाइटेड फेल कहाँ हो रही है? चलो मैंने तो सिटी के बारे में भी बात ही नहीं किया, क्योंकि चलो सिटी ने 400 मिलियन ज़्यादा खर्च कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिवरपूल से भी आप मात खा रहे हो, आप चेल्सी भी मात खा रहे हो, तो लिवर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल कहाँ हो रही है यार? एंड आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। देखिए, मैं फैन केवल एक ही क्लब का हूँ और वो है एफसी बार्सिलोना। मेरे को प्यार केवल एक ही क्लब से हुआ है और वो है एफसी बार्सिलोना, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं एडमायर नहीं कर सकता हूँ। मैंने बचपन से यूनाइटेड को एडमायर किया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यार एंड एडमायर, ठीक है, आप इस चीज़ को समझना। क्योंकि यूनाइटेड ने अपने स्टैचूर को उस लेवल का बना के रखा था यार। आज भी यूनाइटेड रेलेवेंट है। लास्ट टाइम दे वॉन द प्रीमियर लीग वॉज इन 2012-13 वाला सीजन, वेन रूनी, रॉबिन वैन पर्सी एंड हेवियर हर्नांडेज, शायद मेरे ख्याल से इन तीनों के अंडर यूनाइटेड ने जो है वो अपना लास्ट प्रीमियर लीग जीता था 2012-13 में सर एलेक्स फर्गसन के साथ। उसके बाद 10 साल हो गए यूनाइटेड ने अभी तक प्रीमियर लीग नहीं जीता है। लास्ट यूरोपियन कप इन्होंने यूरोपा लीग जीता था 17 वाले सीजन में, जूते मरीनियो के अंदर, ज़लाटन इब्राहिमोविच और फलिनी थे, है ना। इतना टाइम हो गया यार, 6 से 5 साल हो गए हैं यूरोपियन कप जीते हुए, 10 साल हो गए हैं प्रीमियर लीग जीते हुए, एंड स्टिल यूनाइटेड इज रेलिवेंट। क्योंकि ऑफकोर्स, क्योंकि यूनाइटेड उस स्टैचुअर की क्लब है। क्या एसी मिलान की आज इतनी बात होती जितनी यूनाइटेड की होती है? ऑफकोर्स नॉट। बट इसका ये मतलब नहीं कि यूनाइटेड डाउनफॉल में नहीं है। एंड सिंस आई यूज टू एडमायर यूनाइटेड एंड आई स्टिल एडमायर यूनाइटेड, मेरा बहुत मन किया ये जानने का कि क्यों मैनचेस्टर हैज़ बीन ब्लू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्यों भाई साहब यूनाइटेड फेल करी है।
आज की वीडियो में बहुत ही गजब की फाइंडिंग्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं, जानते हैं कि क्यों यूनाइटेड जो है वो फेल करी है। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई साहब वन फुटबॉल का तहे दिल से धन्यवाद स्पॉन्सरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल में। देखें, अगर आप एक फुटबॉल फैन है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो या फिर मैनचेस्टर सिटी के फैन हो या फिर बार्सिलोना के फैन हो, वन फुटबॉल ऐप आपके फोन में होना चाहिए, क्योंकि आपके फेवरेट क्लब से रिलेटेड हर एक फुटबॉल न्यूज डायरेक्टली आपके फोन में वन फुटबॉल ऐप दे देता है। मोर ओवर भाई साहब लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे, टीम शीट रिव्यू प्रीव्यू हर एक चीज देखने को मिल जाएगी फुटबॉल से रिलेटेड। वन फुटबॉल ऐप में डाउनलोड करो अभी के अभी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और फ्री अवेलेबल ऐप है भाई साहब। वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ये डिबेट तो अक्सर चलते हुए आ रही है कि किसके चलते भाई साहब यूनाइटेड फेल हुई है। क्या ये मैनेजर्स रहे हैं, क्या ये प्लेयर्स रहे हैं, क्या ये रोनाल्डो है अभी रिसेंट टर्म्स में भाई साहब जिसके चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल हो रही है। बट यू नो व्हाट, जब मैं ये रिसर्च करने बैठा मेरे को एक आंसर सामने आया और उसका नाम है एड वुडवर्ड। ओनर्स ग्लेजर्स के ऊपर उतना ब्लेम नहीं जाएगा जितना एड वुडवर्ड के ऊपर जाएगा। देखें, हाँ ठीक है, एड वुडवर्ड को ग्लेजर्स ने ही अपॉइंट किया था, बट डेविड गिल को भी तो ग्लेजर्स ने अपॉइंट किया था, तो बात वही हो जाती है। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं भाई साहब, एड वुडवर्ड जो है वो सीईओ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फरवरी 2022 तक। अभी उन्होंने रिज़ाइन किया है 2013 से 2022 तक, जहां डाउनफॉल चालू हुआ है और अभी तक चल रहा है तब तक एड वुडवर्ड जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो है वो सीईओ रहे हैं। और मेन रीज़न इस डाउनफॉल के पीछे यही आदमी है, क्योंकि इसको डे टू डे बेसिस के ऊपर क्लब को संभालने का पूरा जिम्मेदारी दे दिया गया था ग्लेजर्स के ऊपर, जिसके ऊपर ये बंदा भाई साहब फेल हुआ है बहुत गंदे तरीके से। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, 2013 में बात करते हैं। देखें, 2013 से पहले जब ये बंदा अपॉइंट हुआ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड की कैबिनेट, ट्रॉफी कैबिनेट खचा खच भरी हुई थी। देखो, दो पेयरिंग थी, एक पेयरिंग थे सर एलेक्स फर्गसन विद डेविड गिल, डेविड गिल उस समय के सीईओ, इनके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 13 प्रीमियर लीग और 2 चैंपियंस लीग 20 साल के टाइम में जीता है। और यही 20 साल के सक्सेस के बाद इतने सारे यूनाइटेड फैंस बन गए कि भैया यही तो क्लब है, यही तो क्लब है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सैडली द पोस्ट सर एलेक्स फर्गसन एरा हैजंट बीन ईजी फॉर यूनाइटेड एज वेल एज फॉर यूनाइटेड फैंस। देखो, पहला सीजन एड वुडवर्ड का आता है अंडर डेविड मोयस, और डेविड मोयस को भाई साहब एड वुडवर्ड से पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था। तो एड वुडवर्ड हैड नो आइडिया कि भाई साहब डेविड मोयस मेरे पहले मैनेजर होंगे जिनके साथ मैं काम करूंगा। एड वुडवर्ड सर एलेक्स फर्गसन के साथ काम करना चाहता था, क्योंकि एलेक्स फर्गसन भाई साहब बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है, उनकी स्काउटिंग अलग लेवल पे है और उनकी स्काउटिंग को आज तक यूनाइटेड मैच ही नहीं कर पाई है। वो जो टीम छोड़ करके गए थे वो भाई साहब विनिंग मशीन तो थी, लेकिन वो मॉडर्न फुटबॉल के यू नो व्हाट नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही थी। तो एड वुडवर्ड सोच रहे थे कि एक लंच करूंगा अपने क्या बोलते हैं सर एलेक्स फर्गसन के साथ और बैठ करके डिस्कस करूंगा कि अब इस विनिंग टीम को मॉडर्न कैसे बनाया जाए। लेकिन एड वुडवर्ड को भाई साहब उस लंच में सर एलेक्स फर्गसन ने बोला, मैं तो क्लब छोड़ करके जा रहा हूं और नया मैनेजर भी अपॉइंट हो चुका है डेविड मोयस। तो एड वुडवर्ड का जो है वो दिमाग खराब हो गया, बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। तो पहला मैनेजर जो है वो डेविड मोयस हुए एड वुडवर्ड के साथ। अब देखें, एड वुडवर्ड ना क्या चाह रहा था कि भाई साहब हम लोग शुरुआत में 2013 में बॉक्स ऑफिस साइनिंग करके जो है वो पोस्ट सर एलेक्स फर्गसन का एरा बिगिन करेंगे। तो 2013 में मेरे को बहुत अच्छे से याद है, देयर वेर र्यूमर्स गोइंग अराउंड कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। गैरेथ बेल के ऊपर नजर बनी हुई थी, डेविड मोयस कह रहे थे भाई साहब थियागो को ले आओ और कौन कौन प्लेयर्स थे, फैब्रिगास को ले आओ, रॉसी को ले आओ, ये कुछ प्लेयर्स का नाम था जिनको यूनाइटेड जो है वो टारगेट कर रही थी 2013 में। ठीक है, पहला ट्रांसफर विंडो था जो डेविड मोयस और एड वुडवर्ड का। अब तुम मानोगे नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टारगेट हुए हैं, थियागो एलकांट्रा टारगेट हुए हैं, गैरेथ बेल टारगेट हुआ है, फैब्रिगास टारगेट हुआ है, रॉसी टारगेट हुए हैं, कौन आता है, मार्टिच और फलिनी। मार्टिच और फलिनी आते हैं भाई साहब 2013 में। और अब मैं तुमको फिगर बता रहा हूँ, फलिनी आए 32 मिलियन के लिए एवर्टन से, 44 मिलियन के लिए भाई साहब माता आए हैं फ्रॉम चेल्सी। कहाँ रोनाल्डो, कहाँ बेल और कहाँ भाई साहब माता और फलिनी। पहला ही ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड को फेल करवा दिया भाई साहब एड वुडवर्ड ने डेविड मोयस के अंडर। ऑफकोर्स इतनी गंदी ट्रांसफर विंडो के बाद डेविड मोयस के साथ जो है वो यूनाइटेड का कुछ हुआ नहीं, और डेविड मोयस भाई साहब एक सीजन के बाद ही जो है वो सैक हो गए थे एड वुडवर्ड के द्वारा। एड वुडवर्ड ने 4 मैनेजर सैक करें 8 साल में, एंड डेविड मोयस वॉज द फर्स्ट यू नो वॉट मैनेजर ऑफ दोज 4 मैनेजर।
अब यहाँ पे यूनाइटेड को फेलियर जो है वो घोषित कर दिया गया था, एड वुडवर्ड को फेलियर घोषित कर दिया गया था पहला ट्रांसफर विंडो देखने के बाद और सीजन को देखने के बाद। और इस चीज से उभरने के लिए एड वुडवर्ड गए भाई साहब अपने सर एलेक्स फर्गसन के पास, बोले यार कि आप गाइड करें सरकार, आप ही हैं जो हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। तो गए भैया एड वुडवर्ड और फिर सर एलेक्स फर्गसन और जो कैप्टन थे उस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो भी उन्होंने इनका ये वर्ड था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड टू चेंज द इंजन व्हाइल फ्लाइंग, अब गेम चेंज करना पड़ेगा, तो हम नए मैनेजर को जो है वो खोजते हैं। यूनाइटेड वांटेड जर्गन क्लॉप टू बी देयर नेक्स्ट मैनेजर, बट हुआ नहीं, लिवरपूल अलग चले गए। द नेक्स्ट मैनेजर जिसको यूनाइटेड चाहती थी और वो था डिएगो सिमियोने, वो भी हुए नहीं। अब फिर हुआ कि चलो ठीक है, अपन ना एक्सपीरियंस के ऊपर वाउच करते हैं, लुइस वैन गाल को लेकर के आते हैं। जब लुइस वैन गाल अपॉइंट हुए, एड वुडवर्ड ने दो शब्द सामने रखा और वो था एक्साइटिंग एंड अटैकिंग फुटबॉल, क्योंकि यही मॉडर्न फुटबॉल चाहती थी उस समय। एक्साइटिंग और अटैकिंग फुटबॉल खेलवाना तो चाहते थे एड वुडवर्ड, लेकिन वो हुआ नहीं भाई साहब। इतना गंदा फुटबॉल खेलती थी लुइस वैन गाल के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड कि आज तक मीम्स बनते हैं उसके ऊपर। और एक एफए कप देने के बाद भाई साहब लुइस वैन गाल ने ड्रेसिंग रूम को लॉस्ट कर दिया। यूनाइटेड की फुटबॉल देखने में इतनी गंदी लगती थी कि मैं क्या बताऊं, और इसकी के चलते जो है वो लुइस वैन गाल को भी जो है वो सैक कर दिया गया था। मीनवाइल अगर मैं ट्रांसफर्स के बारे में बात कर लूं, ट्रांसफर्स भी अच्छे नहीं हुए थे इनके अंडर 2015 में। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्या बोलते हैं, सर्जियो रामोस को टारगेट करी हुई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, 13 घंटे लंबे बात चली थी फ्लोरेंटिनो पेरेस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में, और 35 मिलियन का ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया था लास्ट मोमेंट में सर्जियो रामोस ने भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। 2014 में रिकॉर्ड साइनिंग्स हुए हैं, एंजेल डी मारिया आया है, लूक शॉ आया है, एंजेल डी मारिया 75 मिलियन के लिए, लूक शॉ आए 37 मिलियन के लिए, एंडर हरेरा आए हैं भाई साहब 36 मिलियन के लिए, मार्कोस रोजो आए हैं 20 मिलियन के लिए। टोटल स्पेंडिंग्स 2014-2015 में अराउंड 190 मिलियन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर मैं 15-16 के बारे में बात कर लूँ, एंथनी मार्शल को मोनाको से लेके आया गया था 60 मिलियन के लिए, मॉर्गन को साउथहैम्पटन से उठाया गया था 35 मिलियन के लिए, मेम्फिस डिपाई आए थे 34 मिलियन के लिए। ऊपर से नीचे तक अगर मैं बात कर लूँ, टोटल 150 मिलियन वॉज स्पेंट 15-16 वाले सीजन में। कहाँ है अच्छी साइनिंग्स हुई नहीं है। और पैसे आप देखें, फिगर देखें जो यूनाइटेड ने लगाए हैं 150-160, और इतने में तो लिवरपूल ने अपनी पूरी टीम ही बदल डाली थी भाई साहब। इसके बाद टाइम आता है हमारे होजे मरीनो का, लेकिन यू नो व्हाट, एक फन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड लुइस वैन गाल के बाद पेप गार्डियोला को साइन करना चाहते थे एज देयर मैनेजर, बट ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी चले गए, और फिर उसका पोलराइजेशन जो है वो किया यूनाइटेड ने, बोला कि भाई साहब कौन है बेटर राइवल ऑफ पेप गार्डियोला, बेटर देन जोजे मरीनो। होजे मरीनो को जो है वो साइन कर दिया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा एज देयर मैनेजर। अब ना एड वुडवर्ड ही नहीं, हर एक दुनिया में ये बंदा जानता था कि जोजे मरीनो के साथ जो अंत होगा वो बहुत ही ज़्यादा शोर होगा, क्योंकि ये चीज़ हर जगह देखा है, वो चेल्सी में भी देखा है, वो हमने हर जगह जहाँ जहाँ जो है वो जोजे मरीनो मैनेज किया है, एंडिंग हमेशा गंदी रही है। लेकिन यू नो व्हाट, एड वुडवर्ड का कहना क्या था कि उस शोर एंडिंग से पहले हम ट्रॉफीज जीत जाएंगे। क्या वैसा हुआ? वैसा तो भाई साहब ऐसा एस सच नहीं हुआ, बट एक हद तक हुआ, क्योंकि जोजे मरीनो के अंडर साइनिंग्स थोड़े से ठीक हुए। पहला भाई साहब बड़ा साइनिंग पॉल पोगबा, वर्ल्ड रिकॉर्ड फी के लिए आए थे 105 मिलियन के लिए यूवेंटस से, मिकिटारियन आया था, एरिक बेली आया था, जलाटन आए थे फ्री ट्रांसफर, तो अच्छे खासे साइनिंग्स हुए थे। इसमें भी उन्होंने खर्चे करे हैं 185 मिलियन लगभग खर्च हुआ है, और भाई साहब इन लोग फिर जीते थे, एफए कप जीता था मेरे ख्याल से, कराबाओ कप जीता था, नहीं एफए शील्ड, हाँ कम्युनिटी शील्ड जीती थी, कराबाओ कप जीता था, और फिर यूरोस जो यूरोपा लीग होता है वो जीता था। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा सक्सेस जो है वो यूनाइटेड को मिला अंडर जोसे मरीनो, बट ऑफकोर्स द एंडिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट। और फिर भाई साहब जोसे मरीनो को जाने के बाद चांसेस थे यूनाइटेड के पास अच्छे साइनिंग्स करने के लिए, फिर से यूनाइटेड में फिर से वापस से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वापसी हमको शायद देखने को मिल जाती 2018 में ही, जब वो यूवेंटस गए थे, बट ऑफ कोर्स जोसे मरीनो ने मना कर दिया था, बोले कि मेरे को चाहिए नहीं भाई साहब रोनाल्डो, तो वो उसको लाए नहीं। इसके बाद फिर जब ओले गुनर सोल्शर आए, तो ओले गुनर सोल्शर के अंडर भी जो है वो यूनाइटेड अच्छी परफॉर्म तो मेरे को करते हुए दिखी नहीं, लेकिन बीच में जब सैक वाला बात चल रहा था दिसंबर के इर्द गिर्द, तब भाई साहब ओले गुनर सोल्शर बहुत अच्छा चल रहा था, और उस वक्त भी चांस था अपने इंटरिम मैनेजर को हटा करके एक अच्छा मैनेजर को लाने का, जैसे पोचेटिनो का उस समय चल रहा था कि वो टॉटनहम छोड़ करके जाएगा, तो उसी वक्त पोचेटिनो को लाया जा सकता था।
थॉमस टुशेल भी पीएसजी छोड़ के जाने वाले थे, उस वक्त थॉमस टुशेल को यूनाइटेड लाया जा सकता था, लेकिन भाई साहब ना ही पोचेटिनो आया ना ही टुशेल आए, क्योंकि उस वक्त ये कहना था एड वुडवर्ड का कि ओले गुनर सोल्शर जो है वो हमको टॉप टॉप पहुंचा के रखा था टेबल से, और अभी इसको सैक करना बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा, इट विल बी अ सिन इन फुटबॉल वर्ल्ड अगर मैं जोसे मरिनियो अगर मैं ओले गुनर सोल्शर को सैक कर दूंगा तो। और फिर एंडिंग क्या होती है, एंडिंग ये होती है कि भाई साहब कि ओले गुनर सोल्शर के अंडर भी यूनाइटेड कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाई, तीन साल में इन्होंने कुछ ऐसा खास जीता ही नहीं, एक फाइनल खेल के आए यूरोपा लीग का, उसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई साहब। सो एड वुडवर्ड का शुरुआत से लेके अंत तक, वो चाहे मैनेजर्स को अपॉइंट करना हो, वो चाहे ट्रांसफर्स करना हो, सब बहुत बड़ा फेलियर रहा है। थोड़े से हाइलाइट्स देता हूँ ना मैं लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैं थोड़े से ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अपन चलते हैं 16-17 में जब पॉल पोगबा को साइन करती थी यूनाइटेड, लिवरपूल ने क्या किया था, तो लिवरपूल ने भाई साहब स्पेंड किया था 71 मिलियन केवल, और उन्होंने जो है वो वाइनाल्डम को खरीदा था, उन्होंने साइडियो माने को खरीदा था, दो प्लेयर को इन्होंने मेन खरीदा था। ऑन दी वेरी कॉन्ट्रास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई साहब पॉल पोगबा को खरीदा था अराउंड टू अराउंड 95-100 मिलियन के लिए, मिकिटारियन को खरीदा था, बेली को खरीदा था 2017-18 सीजन में, जहाँ लिवरपूल ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, वहाँ पे इन लोग जो है वो मोहम्मद साला को खरीद करके लेके आए 38 मिलियन में सिर्फ, चैम्बरलिन को खरीद के लेके आए, एंड ऑफकोर्स एंडी रॉबर्टसन को खरीद के लेके आए 8 मिलियन में। आप देखें कितनी प्यारी स्काउटिंग है ना, साला रॉबर्टसन आज तक भाई साहब प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं अपने अपने जगह में। लेकिन यूनाइटेड ने क्या किया था, यूनाइटेड ने भाई साहब लुकाकू को खरीद के लेके आए थे 76 मिलियन में, जो अपने पहले सीजन में तो ठीक था लेकिन फिर बहुत खराब हो गया था। मैटिच को खरीद के लेके आए थे 40 मिलियन में, और लिंडलॉफ को खरीद के लेके आए थे 32 मिलियन में। कितनी गंदी स्काउटिंग है यार ये। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लिवरपूल ने भाई साहब स्पेंड किया अराउंड 160 मिलियन, ठीक है, जहाँ पे फाइनल में जो है वो हारे थे। उसके बाद जर्गन क्लॉप ने एलिसन को खरीदा था रोमा से 56 मिलियन में, नेबी केता आए थे, फबीनो आए थे, ठीक है। और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्या खरीदा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खरीदा है भाई साहब फ्रेड डियागो डेलॉट। ये क्या साइनिंग है यार, आप डिफरेंस देख रहे हो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। थोड़ा सा माफ करना यहाँ ऑडियो के लिए, लेकिन यार 19-20 वाला तो और इनसेन था। 19-20 में मीना मीनो ही बस एक मेजर साइनिंग थे लिवरपूल के, जिसमें उन्होंने स्पेंड किया था 9 मिलियन, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के 204 मिलियन स्पेंडिंग हुई थी। हैरी मंगवायर आए थे 78 के लिए, एरन वन बिसाका आए थे 50 के लिए, ब्रूनो फर्नांडिस आए थे 50 के लिए, और भी कई सारे कादो के प्लेयर थे भाई साहब। ये इनसेन है भाई, इनसेन है हैरी मगवायर भाई 78 अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, अगर मैं तुमको टॉप प्लेयर्स जो एड वुडवर्ड ने साइन किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्हीं का नाम ले लूं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। पॉल पोगबा, हैरी मगवायर, रोमेलू लुकाकू, जेडन सैंचो, एंजल डी मारिया, ब्रूनो फर्नांडिस, एरन वन बिसाका, फ्रेड, एंथनी मार्शल एंड मैटिच, लगभग 600-700 मिलियन तो मैं तुमको यही बता दिया हूँ। अब इनमें से कितने कम प्लेयर आज भी रेलिवेंट है यूनाइटेड में, पॉल पोगबा, शायद जेडन सैंचो, ब्रूनो फर्नांडिस, बस तीन प्लेयर, 10 प्लेयर में से केवल 3 प्लेयर। दिस इटसेल्फ स्पीक्स कि कितनी गंदी जो है वो ट्रांसफर रही है भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड की इतने समय से। सो ओवरऑल अब तो खैर है नहीं एड वुडवर्ड क्लब में, लेकिन मेरे ख्याल से एक आदमी नहीं होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मेरे ख्याल से ये कहेगा कि एड वुडवर्ड ने सही काम किया है। दी ओनली गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड अंडर एड वुडवर्ड, जो कुछ ही यूनाइटेड फैंस जो है वो बोलेंगे कि हाँ ठीक हुआ, और वो था भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लाना बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें भी फैंस यू नो व्हाट अलग अलग स्टैंड लेकर के रखे हैं, ये कुछ बोलते हैं अच्छा है कुछ बोलते हैं बुरा है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे रिसर्च को करने के बाद आई कुड सीरियसली गो अहेड एंड ब्लेम एड वुडवर्ड। अब एड वुडवर्ड का जो है रिप्लेसमेंट कौन है,
आप ये बोलोगे, जो कि 2022 फरवरी में जो है वो एडवर्ड वर्ड ने रिज़ाइन कर दिया, तो ऑफकोर्स एक जो है वो रिप्लेसमेंट हुई है और उसका नाम है आर्नोल्ड। ये भी ग्लेजर्स के ही अंडर से आते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड अब संभाल रहे हैं। बट ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि एड वुडवर्ड और आर्नोल्ड का पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर एड वुडवर्ड एक ऐसा आदमी था जो आपको रूम के अंदर बुलाएगा, तो आर्नोल्ड एक ऐसा आदमी जो आपको रूम के बाहर भगाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, यू नो वॉट। बट द डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ बीन इनक्रेडिबल। फेलियर्स इन ट्रांसफर्स, फेलियर्स इन गेटिंग वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स, बार 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 बार। भाई साहब, एड वुडवर्ड वॉज वन ऑफ द वर्स्ट CEO एवर अपॉइंटेड बाय अ फुटबॉल क्लब, एंड स्पेशली अ फुटबॉल क्लब विद द स्टैच्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, विस्केल बारसा, जय।